सुपर हार्ड बच्चों, आज हम सब किसे सीखो कविता के बारे में जानेंगे। फूलों से नित हंसना सीखो, कमलों से नित गाना है, फल से लगी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना है। इस कविता में कवि सिद्धांत सिंह कह रहे हैं कि फूलों की तरह हमें हंसते रहना चाहिए और कमलों की तरह हमें गाते रहना चाहिए, और फल से जैसे डाली पर फल जाते हैं तो डाली झुक जाती है, वैसे ही हमें भी फल की डालियों की तरह शीश झुकाना चाहिए। मीठी हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मीना और मीना। जैसे हवा की झोंकों से कोमल भाव ठंडी हवा बहती है तो मन प्रसन्न हो जाता है, उसी तरह दूध और पानी एक साथ मिलकर पता नहीं चलता, तो हमें भी एक साथ मिलकर हमें तो सीखना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो चलना और जगाना, लता और पेड़ से सीखो सबको गले लगाना। सूरज की किरणों से हमें जगना और जगाने की सीख मिलती है, और पेड़ों से हमें सबको गले लगाने की सीख मिलती है। बरसात की बूंदों से सीखो सबका हृदय जुड़ाना, मिट्टी से सीखो किस तरह अपना रंग छाना। बरसात की बूंदों से हमें सीख मिलती है कि सबका हृदय जुड़ाना होता है, और मेहंदी से सीख यह मिलती है कि मेहंदी अपना पिसने के बाद रंग लगता है। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधियारा करना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। दीपक जितना दूर में रहता है उतना दूर तक अपना अंधेरा को हर लेता है, वैसे ही पृथ्वी से सीखो बच्चों प्राणी की सच्ची सेवा करना। जल धारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो बच्चों नीचे ही चढ़ना। जलधारा से जैसे नदी में जलधारा आगे की ओर बढ़ती जाती है, वैसे तुम भी बच्चों अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ना सीखो, और धुएं की तरह नीचे की ऊपर चढ़ना सीखो। सब पुरुष के जीवन से सीखे बीज गढ़ना, अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। सतपुरुष के जीवन से बच्चों हमें अच्छे चरित्र मिलता है, और अपने गुरु से बच्चों सही उत्तम विद्या सीखो। आगे मैं ये वीडियो बताऊंगी। धन्यवाद।